टाइप्स ऑफ रेफरेंसिंग कौन कौन सी तीन तरह की होती है हमारे पास? थ्री टाइप्स ऑफ रेफरेंसिंग आर एब्सोल्यूट, रिलेटिव, मिक्स्ड रेफरेंसिंग। टेल मी द डिफरेंस बिटवीन द थ्री। So in relative, the addresses will not change. Absolute, the addresses will. Sarthak, मैंने क्या बोला अभी? आमिन, मैं क्या बोल रही हूँ? Absolute में क्या होता है? So in absolute, the cell addresses will not change. Relative, it will change. Mixed, partially change. Partially कैसे change होगा? अगर तो absolute part है तो वो नहीं change होगा, जिसका कोई relative part है तो that will get change. So how will you come to know that whether the cell address is relative or absolute? तो absolute में two dollar signs will be there, row के आगे भी, column के आगे भी. रिलेटिव में नो डॉलर साइन, सिंपली आपके पास कोई भी सेल एड्रेस है. मिक्स्ड में पार्शियली देयर विल बी अ रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट, सो दैट मींस वन डॉलर साइन विल बी देयर. और यहाँ पे कैसे होगा? डॉलर सी, डॉलर सिक्स. सो दिस वे यू हैव टू राइट द एग्जांपल्स ऑफ रिलेटिव, एब्सोल्यूट एंड मिक्स्ड. फॉर्मूला कैसे कॉपी करने है वो सबको क्लियर है? उसमें तो कोई डाउट नहीं. अगर मैं बोलूं B6 इक्वल टू A1 प्लस B1 प्लस C1, सो व्हाट विल बी इन दिस सेल C7? व्हाट विल बी इन दिस सेल C7? B2 क्लियर? अगर कोई डॉलर साइन होता तो उसने चेंज नहीं होना था. अगर एक डॉलर साइन है तो वो चेंज नहीं होगा, लेकिन दूसरे वाला चेंज हो जाएगा. राइट, नाउ नेक्स्ट, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन कैल्सी. नंबर ऑफ रोज कितनी है? सिक्स डबल फाइव. सो दीज आर द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर 1024. For inserting the cells, the command is insert menu cells option. For deleting cell, edit menu delete cells option. For inserting cell, the command is insert menu cells option. For deleting cell, the command is edit menu delete cells option. अगर आप इनमें से कोई भी कमांड फॉलो करते हैं, you will be getting insert cell dialog box and delete cell dialog box. So what are the options under that? अगर आप insert cell dialog box में देखेंगे, the options are shift cell, राइट, डाउन, शिफ्ट सेल राइट, शिफ्ट सेल डाउन, एंटायर रो, एंटायर कॉलम. इन द डिलीट सेल डायलॉग बॉक्स, डिलीट एंटायर रो, डिलीट एंटायर कॉलम, शिफ्ट सेल लेफ्ट, शिफ्ट सेल अप. अब यहाँ पे एंटायर रो था तो इधर क्या आ जाएगा? डिलीट एंटायर रो, डिलीट एंटायर कॉलम. सो व्हाट इज द कॉलम नेम आफ्टर जेड? द कॉलम नेम आफ्टर जेड इज ए ए. ओके, द लास्ट कॉलम नेम इज ए एम जे. द लास्ट कॉलम नेम इज ए एम जे एंड द कॉलम नेम आफ्टर जेड इज ए ए. व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ कैल्सी? .ods is the extension of Kelsey. What is a cell?
इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल. हाउ विल यू अप्लाई द सेल एड्रेस, हाउ द सेल एड्रेस विल बी फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम. सो टेल मी द सेल एड्रेस फॉर्म्ड बाय सेल एड्रेस. दी आप आंसर नहीं बोलेंगे. नेम व्हाट इज द सेल एड्रेस फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सेवेंथ कॉलम एट्थ रो. जस्ट रेज योर हैंड, डोंट स्पीक द आंसर. सेवेंथ कॉलम एट्थ रो. मैंने बोला आंसर नहीं बोलो. तो कैसे आया? सेवेंथ कॉलम पे एबीसी कैलकुलेट कर लो, दैट इज जी. ओके, नेक्स्ट इज 18th रो फोर्थ कॉलम. व्हाट विल बी द आंसर? आर. आर कैसे आया? रो क्या होती है? जब हम एक्सेल कैलसी की वर्कशीट बनाते हैं वो तो इस तरह से होते हैं, ए बी सी डी एंड लाइक दिस, और इधर होता है 1 2 3 4 5. इनमें से रो कौन सी है, कॉलम कौन से? ये कॉलम्स हैं, ये रोज हैं. रोज आर बट यू आर सेइंग रोज आर वर्टिकल. रोज आर, कॉलम्स आर. नाउ टेल मी द आंसर. सो फोर्थ कॉलम क्या है? डी है. सो दैट विल बी डी 18. क्लियर? टेल मी द सेल रेंज. व्हाट इज द रेंज ऑफ सेल फॉर्म्ड बाय फिफ्थ कॉलम थर्ड रो विच विल स्पैन अप टू सेवेंथ कॉलम थर्ड रो. सो फिफ्थ कॉलम थर्ड रो मीन्स E3 कॉलन. दिस इज अ रेंज. आपसे पर्टिकुलरली एक सेल एड्रेस भी पूछा जा सकता है और यू हैव टू टेल अ फुल रेंज. ओके, द सेल रेंज मीन्स, सेल रेंज मीन्स कंजेक्टिव सेल्स इन अ पर्टिकुलर ग्रुप. कंजेक्टिव सेल्स होंगे तभी वो रेंज बनाएगा. जब भी आप सेल को सिलेक्ट करते हो इट विल ऑलवेज फॉर्म अ रेक्टेंगुलर सिलेक्शन. देयर विल ऑलवेज बी अ कंजेक्टिव सेल सिलेक्शन दैट इज इन रेक्टेंगुलर शेप. ओके, फर्स्ट सेल से लेके लास्ट सेल तक. व्हाट इज सेल पॉइंटर? सो सेल पॉइंटर इज अ सेल इन विच दैट इज अ एक्टिव सेल. और एक्टिव सेल का कैसे पता चलता है हमें? अ ब्लैक थिक बॉर्डर सराउंडेड अ सेल. जिस भी सेल के सराउंडिंग में थिक ब्लैक बॉर्डर होगा दैट इज कॉल्ड द एक्टिव सेल. And active cell will always have a cell pointer in it. Okay. What is a worksheet and a workbook? So worksheet you can imagine as a collection of rows and column. Ek worksheet mein number of rows and number of columns hote hain that will be intersected together to form a cell in a worksheet. And the combination of multiple worksheets are called workbook. So worksheet acts as a child of a workbook. Okay, workbook is a parent. Because one workbook can have multiple worksheets in it. By default, kitni hoti hain? So by default, 3 sheets are there in a workbook. Right? What kind of data that we can enter in a worksheet? The types of data are text, numbers, and formulas. Text, numbers, and formulas. These are the types of data that we can enter in a Kelsey. Text is always left aligned.
by default numbers are always right aligned, formulas to be started with equal to sign. तीन तरह का डेटा एंटर कर सकते हैं, फॉर्मुलास, टेक्स्ट एंड नंबर्स. टेक्स्ट विल बी लेफ्ट अलाइन, नंबर्स विल बी राइट अलाइन एंड फॉर्मुलास विल ऑलवेज स्टार्ट विद इक्वल टू साइन. व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मूला, क्या क्या होता है? ऑपरेंड्स, ऑपरेटर एंड देयर मे बी अगेन अ ऑपरेंड. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को करना है C6 मल्टीप्लाई बाय C7, so these are the cell addresses which are the operands and this is a operator. Operands will act on a operator to perform a particular type of calculation and formulas to be started with equal to sign, right? And yesterday we also discussed the structure of the function. Functions kya hote hain? Predefined formula. So instead of writing our own formula, हम अपनी तरफ से कुछ फॉर्मूला बना रहे हैं प्लस माइनस यूज करके. इंस्टेड ऑफ ऑपरेटर्स वी कैन डायरेक्टली राइट द नेम ऑफ अ फंक्शन. तो ये फॉर्मूला है, ये फंक्शन है C6, C7. ओके, दिस इज अ फॉर्मूला एंड दिस इज अ प्री डिफाइंड फॉर्मूला दैट इज कॉल्ड फंक्शन. तो फॉर्मूला में क्या होता है? इक्वल टू साइन होता है, ऑपरेंड्स होते हैं और ऑपरेटर होते हैं. फंक्शन के अंदर इक्वल टू साइन, फंक्शन का नेम एंड आर्ग्यूमेंट्स. इक्वल टू साइन, फंक्शन का नेम, आर्ग्यूमेंट्स. नाउ इफ दे आर कंसेक्यूटिव रेंज, सो यू कैन स्पेसिफाई अ रेंज ऑल्सो. इफ यू वॉन्ट टू स्पेसिफाई द सेल्स विच आर नॉट एडजस्टेंट सेल्स, विच आर नॉट अ कंसेक्यूटिव सेल्स, सो यू कैन स्पेसिफाई द सेल एड्रेस सेपरेटेड विद द कॉमा और सेमी कॉलन, बोथ विल वर्क. एनी डाउट इन फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस? What is a formula? It is a sequence of values, cell addresses, functions or operators, right? That is used to perform a particular operation. जो भी operation होगा, multiply का लगा तो वो multiply करेगा, plus लगा रहे हो तो वो addition करेगा, so like that. So referencing we have done. How to edit the cell content? How to edit cell content? Either you can click in the formula bar to edit the content. Firstly, you have to select the cell. This is the content of a particular selected cell will get highlighted in a formula bar. You can change it there, or you can directly double click on a cell. The cursor will appear. You can modify the content of a cell. And the shortcut key, F2. The shortcut key for editing the cell content is F2. Or to modify a formula or modify a cell content, the shortcut key is F2. Questions yaad reh jayenge aapko? Buttons on the formula bar. Various buttons on the formula bar. FX, function wizard. To accept the entry, tick button. To reject or to cancel, cross button. To select the current row completely, the shortcut key is Shift plus space bar key. To select the row completely, the shortcut key is Shift plus space bar key. And to select the column, Shift plus control plus space bar key. What are the methods for copying the cell content? Shortcut key control plus C, control plus V for paste. Command, edit menu, copy option, edit menu, paste option. Copy or paste button on the standard toolbar. Fourth method, right click on a cell. The shortcut, the context menu will appear. You can take the option copy and paste from there. So total 4 methods for copy and paste. Okay. Similarly, 3 methods for creating the new Kelsey document.
न्यू बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार, फाइल मेन्यू, न्यू ऑप्शन, कंट्रोल प्लस एन. सेम वे ओपनिंग के तीन मेथड्स. फाइल मेन्यू, ओपन ऑप्शन, ओपन बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार और कंट्रोल प्लस ओ. सिलेक्ट ऑल द शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस ए. सिलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की क्या है? अगर आपको पूरी की पूरी वर्कशीट ही सिलेक्ट करनी है तो आप ऐसे ड्रैग नहीं करेंगे, सिंपली यू विल गोइंग टू प्रेस अ शॉर्टकट की, दैट इज कंट्रोल प्लस ए. शिफ्ट प्लस स्पेस बार फॉर रो, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार फॉर कॉलम, कंट्रोल प्लस एक्स कट, कंट्रोल प्लस सी कॉपी, कंट्रोल प्लस वी पेस्ट. हाउ टू क्लियर, ओके, द ऑप्शंस इन द डिलीट कंटेंट डायलॉग बॉक्स. नेम द ऑप्शंस इन द डिलीट सेल, डिलीट कंटेंट डायलॉग बॉक्स. एक था डिलीट सेल, हमने यहाँ पे डिलीट सेल वाला भी किया था. डिलीट सेल में ऑप्शंस कौन सी आती हैं? शिफ्ट सेल अप, शिफ्ट सेल लेफ्ट, डिलीट एंटायर रो, डिलीट एंटायर कॉलम. नाउ द क्वेश्चन इज डिलीट कंटेंट डायलॉग बॉक्स. जब आपको कंटेंट डिलीट करना है तो कौन कौन से आएंगे? सो टेक्स्ट, नंबर्स, डेट एंड टाइम, फॉर्मूलाज, नोट्स, फॉर्मेट्स, ऑब्जेक्ट्स. टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, देयर विल बी अ चेक बॉक्सेस, सो यू हैव टू क्लिक ऑन द चेक बॉक्स. अगर तो आपको कॉरेस्पॉन्डिंगली सिर्फ एक ही तरह का, सार्थक, बी अटेंटिव. सो वेन एवर यू विल क्लिक ऑन अ पर्टिकुलर चेक बॉक्स, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने टेक्स्ट को किया तो इट विल ओनली गोइंग टू डिलीट अ टेक्स्ट फ्रॉम योर सेल्स. इफ यू आर गोइंग टू क्लिक ऑन अ नंबर, सो इट विल ओनली डिलीट द नंबर्स फ्रॉम द सेल्स. अगर आप डिलीट ऑल पे कर देते हैं तो दैट मीन्स एनी काइंड ऑफ डेटा कैन बी देयर, इट विल डिलीट ऑल द कंटेंट फ्रॉम द सेल. सो द ऑप्शंस आर डिलीट ऑल, टेक्स्ट, नंबर्स, डेट एंड टाइम, फॉर्मूलाज, नोट्स, फॉर्मेट्स, ऑब्जेक्ट्स, एंड द ऑप्शन इज अंडर एडिट मेन्यू. एडिट मेन्यू, डिलीट कंटेंट ऑप्शन. कमांड इज एडिट मेन्यू, डिलीट कंटेंट ऑप्शन. सो व्हेन यू विल क्लिक ऑन दिस, द डिलीट कंटेंट डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. तो आपको ऑप्शन मैंने बता दिए हैं. द शॉर्टकट की फॉर द सेम इज डिलीट की. Firstly, select the cells, press delete key, delete content dialog box will appear. Okay, edit menu से delete content, just simply you can press delete key. How to name a range? आपके पास कोई range है, you want to give a name to that range instead of, जैसे मेरे पास बहुत सारे cells हैं and I have selected this range. मैंने इतनी range select की है, so the cells will be, इसके लिए क्या बनेगी सेल रेंज? A1 colon C2. नाउ इंस्टेड ऑफ रेफरिंग A1 colon C2, आई वॉन्ट टू गिव अ पर्टिकुलर नेम. मुझे कोई नेम देना है, फॉर एग्जाम्पल फ्रूट. मैं बता रही हूँ कि इसमें जितना कंटेंट पड़ा है वो सारा फ्रूट्स के रिलेटेड कंटेंट पड़ा है, सो आई एम नॉट गोइंग टू रेफर A1 colon C2, आई एम सिंपली सेइंग फ्रूट. तो इस चीज को, इतनी सेल्स के एड्रेसेस को मुझे ये नेम देना है. हाउ टू नेम दैट? फर्स्टली यू हैव टू सिलेक्ट दी सेल्स दैट आर फॉर्मिंग अ पर्टिकुलर रेंज, जो भी रेंज बना रहे हैं. देन इन दी नेम बॉक्स, सो देयर आर टू कंपोनेंट्स इन कैल्सी. ऊपर आपके पास यहाँ पे एक फॉर्मूला बार आता है, ठीक है, और इसके बिल्कुल लेफ्ट साइड पे देयर इज अ नेम बॉक्स. सो व्हेन यू आर गोइंग टू सिलेक्ट दी सेल्स, आप सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपके पास रेंज ऑटोमेटिकली A1 C2 बन जाएगा. यू जस्ट हैव टू टाइप अ न्यू नेम हियर. यू विल राइट फ्रूट्स हियर, एंड एवरी टाइम यू आर गोइंग टू राइट फ्रूट्स इन द नेम बॉक्स, ऑटोमेटिकली दीज सेल्स विल गेट हाईलाइटेड. ये सेल्स ऑटोमेटिकली उस टाइम पे सिलेक्ट हो जाएंगे. इट विल बी इन द एक्टिव मोड, राइट? ओके. So, what is a name box? Addresses,
एड्रेस ऑफ एक्टिव सेल, जितने सेल्स एक्टिव होंगे उनके एड्रेस कहाँ पे आते हैं, नेम बॉक्स पे, फॉर्मूला बार पे क्या आता है, कंटेंट ऑफ एक्टिव सेल। अगर आपने कोई सेल सिलेक्ट किया तो उसका एड्रेस यहाँ पे आ रहा होगा, उस सेल का कंटेंट, उस सेल के अंदर जो भी डेटा पड़ा है वो डेटा आपका फॉर्मूला बार पे अपियर होगा, तभी तो हम उसको एडिट कर पाते हैं वहां से, ठीक है। सो द कंटेंट ऑफ एक्टिव सेल विल अपियर इन फॉर्मूला बार, एड्रेस विल अपियर इन नेम बॉक्स। हाउ टू फिल अ पर्टिकुलर रेंज बाय ड्रैगिंग द ऑटो फिल हैंडल, सो वी यू आर जस्ट गोइंग टू ड्रैग इट एंड द लिस्ट ऑफ सीरीज विल बी फिल्ड। सेविंग अ वर्कबुक, फाइल मेन्यू, सेव ऑप्शन, कंट्रोल प्लस एस इज द शॉर्टकट की एंड सेव बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार, सो दिस वे यू कैन सेव इट। सिमिलरली ओपन के तीन मेथड्स यही हैं, फॉर सिलेक्टिंग द एंटायर वर्कशीट कंट्रोल प्लस ए, फॉर डिलीटिंग ऑल द कंटेंट डिलीट की, और एडिट मेन्यू डिलीट कंटेंट ऑप्शन। हाउ टू क्लोज, अगर आपको सिर्फ एप्लीकेशन नहीं बंद करना है, करंट स्प्रेडशीट वर्कशीट ही बंद करनी है, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, और यू कैन सिंपली क्लिक ऑन दी फाइल मेन्यू क्लोज ऑप्शन। अगर आपको क्विट करना है, एग्जिट करना है, फाइल मेन्यू एग्जिट, और यू कैन सिंपली प्रेस दी क्रॉस कैंसिल बटन एट द राइट साइड टॉप पे, और कंट्रोल प्लस क्यू, Alt plus F4, it will also work. Okay, so inserting black cells, insert menu mein cells option, shift cell right, shift cell down, entire row, entire column. For inserting a blank row, insert menu, rows option. For inserting columns, insert menu, columns option. For inserting cells, insert menu, cells option. तो चाहे आपको सेल इंसर्ट करना है, रो इंसर्ट करनी है, कॉलम इंसर्ट करना है, ऑल द ऑप्शंस आर इन इंसर्ट मेन्यू। सार्थक रिपीट जो भी मैंने अभी बताया, अभी मैंने क्या बताया, क्या इंसर्ट करना है, स्टैंड अप। आपको मैंने पहले भी बोला है बी अटेंटिव इन द क्लास, एवरी टाइम यू आर जस्ट स्लीपिंग, आपका ध्यान ही नहीं होता मैं क्या बता रही हूँ, लॉस्ट समवेयर एल्स। थोड़ी देर पहले भी अभी मैंने आपको पॉइंट आउट करा क्या टॉपिक डिस्कस हो रहा है, what is saying, what options we will get under the insert menu, cells, okay, cells for inserting, next, or आपका मन नहीं करता पढ़ने को, कोई प्रॉब्लम है मुझे ये बताओ पहले। पूरा कंप्लीट एक साल हो गया मुझे यही आपके बारे में ऑब्जर्व करते हुए, एंड एवरी टाइम मैं आपको अकेले में भी यही समझाया है, यू यूज टू लॉस्ट समवेयर एल्स, पता नहीं अपने कहीं पे लॉस्ट रहते हैं, आपको पता ही नहीं होता क्लास में हो क्या रहे। हाँ जी, क्या डिस्कस किया अभी हमने, इंसर्ट क्या क्या होती है बताओ। बताओ, आपने भी नहीं पढ़ना, अब तो फाइनल्स आ गए हैं, देने हैं ना पेपर, पता है ना ऑफलाइन होने हैं, कंप्यूटर में मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, अच्छा लगेगा आपको सबके सामने इफ यू विल फेल इन द कंप्यूटर। फॉर इंसर्टिंग द रो, इंसर्ट मेन्यू रोज ऑप्शन, इंसर्टिंग कॉलम,
And inserting cells, insert menu cells option for inserting sheet. तीन शीट्स आपके पास बाय डिफॉल्ट आती हैं. अगर यू वांट टू ऐड सम न्यू शीट, अगेन इंसर्ट मेन्यू शीट ऑप्शन. तो इंसर्ट के अंदर कौन सी ऑप्शंस हो गई? शीट, सेल्स, रोज, कॉलम्स. कौन कौन सी फोर ऑप्शंस हैं? करेक्ट. सो फॉर डिलीटिंग द सेल्स, एडिट मेन्यू, डिलीट सेल्स ऑप्शन. सो दिस वे यू आर गोइंग टू डिलीट इट. Similarly, if you want to delete the sheet, again edit menu, sheet option. Edit menu, sheet option pe jaake you can, you will get whether you want to insert or delete from the dialog box. So you can do the accordingly. Okay, functions are the predefined formulas that are used to perform the calculations. We have discussed the structure also, equal to sign, function name, list of arguments. Now let's come on to the functions. कौन कौन से फंक्शंस होते हैं? सम. अगर आपसे पूछा जाए कि कैलसी के फंक्शंस बताओ, तो आपने कैलसी के फंक्शन ये नहीं बताना इट इज यूज फॉर कैलकुलेशन, इट इज यूज फॉर इंसर्टिंग, इट इज यूज फॉर एडिटिंग. फंक्शंस हियर मींस द फंक्शंस, दीज फंक्शंस. एंड व्हेनेवर यू आर राइटिंग अ फंक्शन, डोंट राइट इट लाइक दिस. You have to tell the complete structure of the function. Okay. So function kaun kaun si hai? Sum, max, min. Now it's complete average. AVG nahi hai. Theek hai? Wo Excel mein chal jayega, but not here. Average. Then count. Or product. Count if max a, min a, count a. Okay, so these are the functions which are available in CALCI: sum, max, min, average, count, count a, product, count if max a, min a. Right. So starting with the first, what is the use of sum function? That is used to add the list of arguments that are given in the function list. So equal to sum and then the list of arguments. So you will not write plus symbol in this. Agar aap kuch bhi sum kar rahe hain, A1 colon, जो भी आपका एड्रेस है, ठीक है, तो आपने यहाँ पे प्लस साइन नहीं लगाने. दिस इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक. हर बारी बच्चे यहाँ पे सम भी लिख देते हैं और बीच में प्लस लिख रहे हैं. मतलब आपको आता है लेकिन आपने लिख दिया है तो मार्क्स आपके कट हो गए. ठीक है, सो यू आर नॉट गोइंग टू पुट अ प्लस सिंबल व्हेन एवर यू आर राइटिंग अ सम फंक्शन. नेक्स्ट इज मैक्स. That will return the highest value, the largest value, maximum value from the list of arguments. Min, min will return the lowest value, average, to find the average of a particular list items in the argument list. Count will return number of arguments. जितने भी आपके cell address हैं, that will simply count it. Count a. Now count will work only on numeric. If you want to add, if you want to count some of the text values also or boolean values, so count a function is to be used. Lekin blank cells ignore going there. Blank cells will not get added. Similarly, product to find the multiplication of the argument list, count is where the condition is satisfied. So you have to count the list of entries or the list of given arguments where you are satisfying a particular condition which are listed in the if statement. If that is used to find out, that is used to take a decision. So what is the syntax? Uska kya syntax hota hai? If condition
यहां पे आप क्या देंगे, कंडीशन ट्रू केस फॉल्स केस एंड दिस इज अ सेमी कॉलन। ठीक है, तो जब आपकी कंडीशन ट्रू है तो ये चलेगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स चलेगा। दोनों आउटपुट्स एक टाइम पे नहीं चलेंगे, एट वन टाइम ओनली वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड, राइट। नेक्स्ट इज मैक्स से, दैट विल फाइंड द मैक्सिमम ऑफ द न्यूमेरिक एज वेल एज टेक्स्ट वैल्यूज। सिमिलरली मिन ने लीस्ट वैल्यू अमंग द टेक्स्ट एज वेल एज न्यूमेरिक। यहाँ पे सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज पे ही वर्क होगा। ओके, सो द फंक्शंस आर क्लियर, टेक्स्ट वैल्यूज। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर ऑफ कैलसी। एनी डाउट? हाँ जी बच्चे, एनी डाउट इन दी चैप्टर, एनी टॉपिक? हाँ, बुलियन वैल्यूज इट विल बी, जहां पे ए यूज हो रहा है, काउंट ए, मैक्स ए, मिन ए, और टेक्स्ट वैल्यू की वैल्यू क्या पास होगी, जीरो। ठीक है, तो अगर सपोज करो मैंने कुछ आपको आर्ग्यूमेंट्स दिए यहाँ पे, लेट इट बी द आर्ग्यूमेंट्स आर रेन 78 30 40। नाउ इफ वी आर यूजिंग अ मिन फंक्शन हियर इक्वल टू मिन एंड दिस इज इन A1 B1 C1 एंड D1। ठीक है, वी आर अज्यूमिंग द वैल्यूज लाइक दिस, A1 colon D1 and equal to min A1 colon D1। अगर मिन फंक्शन लगा रहे हैं तो क्या आउटपुट आएगा, ये तो इग्नोर हो जाएगा क्योंकि टेक्स्ट वैल्यू है the 30, so that's why it will give us a 30 वैल्यू। अगर हम मिन ए यूज कर रहे हैं, रेन क्यों आएगा, टेक्स्ट की वैल्यू क्या पास होनी है, अभी बताया आपको जीरो, तो ये जीरो है, ये 78 है, 30 है, 40 है, तो लीस्ट वैल्यू कौन सी हुई, जीरो। सो वी विल गेट द आंसर जीरो है। अगर यहाँ नो वन क्या काउंट होगा, मतलब नंबर ऑफ एंट्रीज, अगर यहाँ पे आप काउंट लगा रहे हो, सेम फंक्शन पे काउंट यूज हो रहा है, तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 1 2 3, ये तो इग्नोर हो जाएगा, सो यू विल गेट 3। अगर आप काउंट ए यूज कर रहे हो तो यू विल गेट आंसर 4। हाँ, मतलब उसमें काउंट नहीं होगा, ए वाले फंक्शन में काउंट होगा, टेक्स्ट वैल्यू काउंट होगी। क्लियर है? एनी डाउट इन द फंक्शंस? क्लियर? सो वी विल डू प्रैक्टिस ऑफ सच क्वेश्चंस मोर टुमारो। ठीक है, एक वर्कशीट फॉर्म में कर लेंगे, सो दैट इट शुड बी मोर क्लियर।